असी सुपना सिरज लिया कि प्लस टू करनी है, उस तो बाद आइलट्स करनी है, तो बाहर चले जाना है। बाहर जाके की करना? ये सुपना नहीं सिरजिया कि बाहर जाके असी कोई साइंटिस्ट बनना है, बाहर जाके असी कोई आईटी के खेत्र दे विच जाना है, बाहर जाके असी कोई साइंस दान बनना है, बाहर जाके असी कोई बिजनेसमैन बनना है, बस बाहर जाके असी लेबर करनी, लेबर करनी, और लेबर कर रहे हैं। जे ये सुपना लैके असी बाहर जाइए ना, जब बाहर जाते होइए कि असी उन्हां मुल्कां दे विच जाके उच्च विद्या पढ़नी है, तो उच्चे मुकाम हासिल करने हैं, फिर सानू कोई टेंशन नहीं है, फिर सानू कोई चिंता नहीं है, सगो खुशी होनी कि साडा नौजवान बाहर जा रहा है उचेरी विद्या लैण वास्ते, साइंटिस्ट बनन वास्ते जा रहा है, वड्डे वड्डे वकील बनन वास्ते जा रहा है, डॉक्टर बनन वास्ते जा रहे, इंजीनियर बनन वास्ते जा रहे। चिंता इस गल दी है कि साडा जिहड़ा नौजवान है वह लेबर करन वास्ते जा रहा है, मजदूरी करन वास्ते जा रहा है, दिहाड़ी करन वास्ते जा रहा है, दिहाड़ी करन वास्ते जा रहा है। ये सानू चिंता है सब तो वड्डी, और दिहाड़ी कर रहे जाके उत्थे, ये सब तो वड्डी चिंता है, ये सब तो वड्डा फिकर है। इसलिए सोच बनाओ कि असी पढ़ना है और पाएदार पढ़ना है, उचेरी ते वधिया विद्या जिहड़ी है वह हासिल करनी, ये अपना लक्ष्य जिहड़ा है वह साडा होना चाहिए। फिर असी समय दे हाण दा बन सकांगे, फिर असी कौमां नूं बुलंदियां ते लिजा सकांगे, क्योंकि जिस किस्म के हालात बन चुके हैं ना, उस किस्म के हालातों के विचों असी तां ही सरवाइव कर सकते हैं जे असी उचेरी विद्या वल जिहड़ा है वह ध्यान देंगे, उच्च सिक्ख्या वल ध्यान देंगे। ये टारगेट नहीं है कि मैं चले जाना है, फिर मैं अपनी भैन नूं लै जाना है, फिर भरा नूं लै जाना है, फिर माँ बाप नूं लै जाना, तो माँ बाप का भी ये टीचा है कि पहला साड़ी बच्ची जाएगी या पहला बच्चा जाएगा, फिर वो साढ़े बाकी बच्चे चले जाएंगे, फिर असी भी चले जाएंगे। ये बहुत गलत धारणा पैदा हो रही है, क्योंकि जिस किस्म के हालात बनते जा रहे हैं, जिस किस्म दियां मुश्किलां पैदा होंदियां जा रही हैं, उन्हां मुश्किलां दा हल जिहड़ा है वह असी ही खोजना है। बहुत वड्डियां चुनौतियां साडे लई पैदा हो रही हैं, मीडिया का म्यार जिहड़ा है वह इस हद तक जिहड़ा है, खास तौर दे उत्ते सोशल मीडिया का जिहड़ा है वह म्यार जिहड़ा है वह बहुत डाउन चला गया। जे असीं पंजाब की गल करिए या इंडिया की गल करिए, हर अपने आप नूं मीडिया चैनल जिहड़ा है वो की कर रहे है, अनरिसपोंसीबल जिहड़ा बंदा हुंदा ना उहदे मूँह अगे मैक कर दिंदा, अनरिसपोंसीबल गैर जिम्मेवार बंदे दे मूँह अगे मैक कर दिता जांदा, फिर जो वह बोलदा उहनू सारी कौम का बना के पेश किया जाता भी ये कौम बोल रही है, कौम की थिंकिंग, ये समुची कौम की सोच है। किड्डी कमाल की गल है, कौम की सोच किवें हो सकती। एक अनरिसपोंसीबल बंदा सड़क के कंडे तुरिया जा रहा है, तुसीं उहदे मूँह अगे माइक कर दिता है, वह बोलिया चंगा बोलिया माड़ा बोलिया कुछ भी बोलिया, वह सारी कौम का बोलिया किवें हो सकता है, जां उहदी जिहड़ी सोच उहने प्रगट की अपने लफजां राही उहदी पूरी समुची कौम की सोच किवें हो सकती है। पर इस तरह का नैरेटिव सिरजा जाता है, ये भी अस देख रहे हैं असी सारे सोशल मीडिया के अंदर की हो रहा है। तो सानू इन सारिया परिस्थितियां दे विचों जिहड़ा है वह बाहर निकलना पएगा, और बाहर कौम नू भी कढ़ना पएगा, तो कौन कढ़ सकता है, साडी नौजवानी कढ़ सकती। मैं एक एग्जाम्पल दिना, अयोध्या दे विच राम मंदिर का उद्घाटन होया, चलो हिंदुओं का वड्डा उत्सव सी, उन्होंने खुशी भी सी, अगले ने मनाई भी, सिखां दे धार्मिक जो आगू ने उन्होंने भी सद्दा पत्र आए, तो की देखिया असी पिछले दिनों दौरान मीडिया दे विच, कोई बोल रहा है कि जाना चाहिए जी इन्हां नूं, कोई बोल रहा इन्हां नूं नहीं जाना चाहिए, कि वाह याद गल है भी,
जे तुहाडे मन च है कि इन्हां नूं जाना चाहीदा तुसीं निजी तौर पर संपर्क करके कहो जाना चाहीदा, जे तुहाडे मन च है कि नहीं जाना चाहीदा तुसीं निजी तौर पर संपर्क करके कोई ईमेल करके कहो कि नहीं जाना चाहीदा। तुहाडे जाण दे नाल कौम नूं आ फायदे ने, तुहाडे ना जाण दे नाल कौम नूं इह नुकसान ने, तुहाडे जाण दे नाल कौम नूं नुकसान ने। तुसीं फोन करके दसो, तुसीं ईमेल राही दसो, लेकिन दस कित्थे रहे हैं? मीडिया दे राही। किड्डी कमाल दी गल है ना। जे तुसीं हमदर्द हो अपने लीडरां दे, तुहाडे अंदर कोई सोच है, तो तुसीं उस सोच नूं चिट्ठी राही भी जाहर कर सकते हो, तुसी ईमेल राही भी जाहर कर सकते हो, तुसी टेलीफोन राही भी जाहर कर सकते हो। पर बड़िया बड़िया लंबिया लंबिया मीडिया के उत्ते इंटरव्यू दित्तियां गईं, तो उन्हें इंटरव्यू दौरान नफरत पैदा करन दे जतन भी किए गए। कितनी कमाल की गल है, वाहियात गल्लां ने। जिन्ना असी ज़्यादा बोलांगे ना हर मुद्दे दे उत्ते, कईयां दा तां सुभाअ है कि कोई मुद्दा होवे असी बोलना ही है, कोई मुद्दा होवे, किसी दी नानी दी कढ़ानी दे नाल संबंधित कोई मसला होवे पर असी बोलना ही है। ये जिहड़ी सोच है ना, ये कौमां दा नुकसान करदी। बोलो, गूंगे थोड़ी रहना है, लेकिन चंगा बोलो, समझ के बोलो, सोच के बोलो। साढ़े बोलन का इंपैक्ट की पैना है ये देख के बोलो। ये ना देखो कि व्यू किन्ने आने हैं, शेयर किन्ने होने हैं, लाइक किन्ने होने हैं, प्रभाव किन्ना पैना, नैगेटिव किन्ना पैना, पॉजिटिव किन्ना पैना। ये चीज़ा सानू जड़िया ने उतां चुकनगियां। होर किसे तो उम्मीद नहीं की जा सकती, तो ना ही कोई कौम नूं इस दलदल दे विचों कढ सकदा है सवाए नौजवानों दे। मैं फिर एक कहांगा, मन च सवाल पैदा हुंदा है कि किधर नूं तुरीए। जदों कोई दिशा भटक जांदा सी ना पुराने वेलिआं दे विच, जंगलां दे विच गुआच जांदा सी, जां उजाड़ां बियाबानां दे विच गुआच जांदा सी, ते फिर जे किधरों किते कोई धुआं जां अग दी लाइट दिखाई दिंदी सी ना, तो वह उस दिशा च चल पैंदा सी कि जिथे अग है, धुआं है, कोई ना कोई उत्थे मानव है, कोई ना कोई उत्थे मनुख है, उधर नूं तुर पैंदा सी ते अपनी मंजिल ते पहुँच जांदा सी। किते धुआं दिखाई दे जाना, किते अग दिखाई दे जानी, उस इंसान ने फिर सारे रस्ते त्याग के उस अग की दिशा वल जां उस धुआं की दिशा वल जिहड़ा वह चल पैना। अज हनेरा है, तो इस हनेरे दे विच, इस बियाबान समय दे विच, इस उजाड़ वक्त दे विच असी किसनों देख के चलीए? साढ़े कोल भी एक लाइट है, साढ़े कोल भी एक रोशनी है, साढ़े कोल भी एक प्रकाश है, और वह प्रकाश है बाणी का, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का। होर किसे पासे देखण दी लोड़ नहीं है। तुसी केवल तो केवल केवल तो केवल सिख फलसफे नूं ध्यान विच रख के सिख फलसफे वल तुर पाओ, सिख फलसफे वल तुर पाओ, तो उन्हां दी कदे भी अगवाई ना कबूलो जिहड़े सिख फलसफे तो कोहां दूर है। तां ही तुहानूं चीख चीख के कही जाण के साडे लड़ाओ, असीं तुहानूं राह विखावांगे, क्योंकि उन्हां नूं राह खुद नूं भी नहीं पता। अन्ना कदे दिश नेत्रहीन जिहड़ा कदे किसी नूं राह नहीं दिखा सकदा, उह तां आप फलसफे तो कोहां दूर है, उन्हां नूं तां आप फलसफे की समझ ही नहीं है, कोई सिधांत की समझ नहीं है, कोई परंपरा का पता नहीं है, कोई मर्यादा की समझ नहीं है, वो की दिशा देगा तुहानूं। तो इस जहान दे विच धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह तो वड्डा चानन मुनार जिहड़ा है वह कोई नहीं है। इसलिए सानू कोई भटकण की लोड़ नहीं है, कोई किते भी दिशाहीन जिहड़ा है भ्रमत होने की लोड़ नहीं है। असी केवल तो केवल केवल तो केवल गुरु ग्रंथ साहिब जी जो साडे चानन मुनार ने, असी इस वल तक के इस वल तुर पाइए। झूल दे निशान, झूल दे निशान ये साडे लई मार्ग सूचक ने। असी झूल दे निशाना वल देख के निशाना वल तुर पाइए, सानू दिशा मिल जानी है, यकीनन मिल जानी है। इस करके मैं बहुता लंबा समा नहीं लैना, मैं इहो ही नौजवानों नूं कहांगा कि आओ कट्ठे होइए और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के फलसफे की रोशनी के विच तुरीए।
गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चानण की रोशनी दे विच तुरीए, चानण दे विच तुरीए, ते सानू मंजिल जिहड़ी है वह जरूर मिलेगी, सानू रस्ता जरूर नज़र आएगा। सोच अपनी पॉजिटिव रखिए और उच्च विद्या ते अपना ध्यान जिहड़ा है वह केंद्रित करिए। अपने आप नू प्लस टू तक सीमित ना करिए, हुण वक्त आ गया अगे पढ़न दा, वक्त आ गया अगे तुरन दा। समय दे हाण दे बणीए तां साडी तरक्की होनी है, ते साई साडी कौम दी तरक्की होनी है, साडे पंथ दी तरक्की होनी है। ठंड बड़ी सी ते सनेहा भी बड़ा शॉर्ट जिहड़ा है वह नौजवानां नू दित्ता है, इहदे बावजूद भी तुसीं वड्डी गिणती च पहुँचे हो। मैं सारयां दा दिल दीआं गहराइयां दे विचों धन्नवाद करदा, क्योंकि नाम लैन लगे बहुत लंबा समा लग जाता, मैं सब दा ही दिल दीआं गहराइयां दे विचों धन्नवाद करदा। कोशिश करांगे कि खालसा साजना दिवस विसाखी जो अप्रैल दे महीने आने वाली है, उन्हां दिनां दे विच आपां वड्डी जिहड़ी है वह कोई इस तरह की कॉन्फ्रेंस जिहड़ा आयोजित करांगे, जिहदे विच वड्डी तादाद विच आपां नौजवानां नूं आवाज़ मारांगे, इकट्ठे होवांगे तक श्री दमदमा साहब की धरती दे उत्ते, ते फिर इस तरह निठ के विचारां करांगे। क्योंकि गुरु पातशाह ने सानू ये सिद्धांत दिता है कि जदों भी कोई समस्या आती है तो इकट्ठिया होकर सिर जोड़ के बैठो, जदों इकट्ठिया होकर सिर जोड़ के बैठांगे, सुनांगे अपने विद्वानां नूं, तां सानू समझ पएगी कि असी करना की है। तो विसाखी के दिहाड़ियां दे उत्ते, क्योंकि उदों मौसम भी बड़ा खुल जांदा है, साफ हो जांदा है, ना सर्दी बहुती हुंदी है ते गर्मी अजे आउणी हुंदी है, उस वक्त दे विच आपां इस तों भी वड्डी गिणती दे विच जिहड़े है वह इकट्ठे होवांगे। तख्त श्री दमदमा साहिब वल्लों आवाज़ आएगी ते असी जरूर पहुँचना है। मैं अंत दे विच फिर आप सारी संगत दा दिल दीआं गहराइयां दे विचों बहुत बहुत धन्नवाद करदा, तुसीं वड्डी गिणती विचों आए हो। एक बारी फिर सारी संगती रूप दे विच बैठे मेरे नौजवान, मेरी कौम दे नौजवान, मेरे पंथ दे नौजवान, फतेह प्रवान करियो जे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।